सोलन जिला के शामती में जुलाई माह में बरसात के कारण खासा नुकसान हुआ था। लगभग शामती पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। अब शामती में कुछ हद तक ठीक मकानों को खड़े करने का कार्य आरंभ हो गया है। रेक्टो फिटिंग प्रणाली से इन घरों को रहने लायक किया जा रहा है। जैक के माध्यम से घरों को उठाया जा रहा है। निजी कंपनी द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए निजी कंपनी के प्रबंधक शुभम पांडे ने बताया कि इस तकनीक से उन्होंने देश के कई राज्यों में घरों को फिर से पहले से मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला के शामती में भी प्रथम चरण में 3 घरों को वेरेक्टो फिटिंग प्रणाली से पहले से मजबूत करेंगे। जी, हमारे कंपनी का नाम है HSBL हाउस लिफ्टिंग कंपनी। अभी हम सोलन में हैं, शामती में। अभी यहाँ पे काफ़ी मकान गिर गए हैं। अभी 3 काम को मिला है उसको ठीक करने के लिए, और अभी काम चालू है, रात दिन करके हम लोग कर रहे हैं। सही तो किस तकनीक में? जी, इसमें कम से कम 2 से 3 महीना लग जाएगा। अभी हम लोग के पास जेक है, जेक का सपोर्ट दे रहे हैं। अभी पीछे देखते हैं, वो दीवार उठ रहा है, उसके ऊपर जेक सपोर्ट डालेंगे। इसके बाद में पूरी दीवार निकाल के रिमूव करके दूसरा न्यू दीवार लगाएंगे उसमें। तो ये अभी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे इसको। केरल, कर्नाटका में, उड़ीसा में, जम्मू में चल रहा है और आसाम में। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।